नमस्कार, मैं हूं दिव्या। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 30 जनवरी, दिन मंगलवार। खबरों के ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार में 6 सीटों पर राज्यसभा चुनाव की तारीखों की हुई घोषणा। पेशेवर अपराधियों के खिलाफ एक्शन में आई बिहार पुलिस, 724 अपराधियों को किया गया चिन्हित। बिहार में 2 गुमनाम इलाकों को अब मिलेगी पहचान। अगर आप ही ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तो आपके लिए खुशखबरी। आईपीएल से धोनी के संन्यास लेने को लेकर दीपक चहल ने कही ये बात। अब चलिए बढ़ते हैं बिहार के अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। यूपी पुलिस में नौकरी की चाह रखने वाले युवा जल्द करें आवेदन। वैसे युवा जो यूपी पुलिस में नौकरी करने की इच्छा रख रहे हैं, उनके लिए अच्छी खबर है। दरअसल यूपी पुलिस में पुलिस उप निरीक्षक और सहायक पुलिस उप निरीक्षक, कंप्यूटर ऑपरेटर और प्रोग्रामर ग्रेड ए के पदों के लिए भर्ती आई है। यह भर्ती कुल 921 पदों पर की जाएगी। इसके पहले आवेदन की अंतिम तिथि 28 जनवरी थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 31 जनवरी कर दिया गया है। तो जो उम्मीदवार इस भर्ती के लिए इच्छुक हैं, वे इसके आधिकारिक वेबसाइट upbbp.government.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। यदि इसके पात्रता की बात करें तो उम्मीदवारों को जरूरी है कि इस भर्ती के लिए उन्होंने किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से ग्रेजुएशन किया हो। साथ ही हिंदी टाइपिंग 25 शब्दों प्रति मिनट होनी चाहिए। उम्मीदवारों की आयु 21 वर्ष से लेकर 28 वर्ष के बीच होनी चाहिए। अधिक जानकारी के लिए आप इसके आधिकारिक वेबसाइट पर जा सकते हैं। बिहार में 6 सीटों पर राज्यसभा चुनाव की तारीखों की हुई घोषणा। बिहार में राज्यसभा चुनाव की तारीखों की भारत निर्वाचन आयोग ने घोषणा कर दी है। बिहार में 6 सीटों पर राज्यसभा के चुनाव होंगे। 8 फरवरी को चुनाव की अधिसूचना जारी होगी। नामांकन की अंतिम तारीख 15 फरवरी है। नामांकन पत्रों की जांच 16 फरवरी, वहीं नाम वापसी का 20 फरवरी और चुनाव 27 फरवरी को होंगे। इतना ही नहीं, इसी दिन परिणाम भी जारी किए जाएंगे। बिहार पर्यटन में आज हम बात करेंगे सुजाता स्तूप कुटीर के बारे में। यह एक बौद्ध स्तूप है जो बिहार के बोधगया में सेना निग्रिम गांव में स्थित है। कहा जाता है कि गौतम बुद्ध ने आत्मज्ञान प्राप्त करने से पहले कठिन उपवास किया था। इस वक्त एक गाय चराने आई महिला सुजाता ने बुद्ध को खीर का प्याला दिया था। बुद्ध को जब आत्म त्याग की निरर्थकता का एहसास हुआ, तब उन्होंने इस खीर को ग्रहण कर लिया और तभी से इस स्थान का नाम सुजाता गढ़ पड़ा। इसके बाद जब बुद्ध बोधि वृक्ष के पास गए, उसके बाद उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। यहाँ से थोड़ी ही दूर पर सुजाता का घर भी देखने को मिलता है, जिसे लोग सुजाता कुटीर के नाम से जानते हैं। यहाँ का वातावरण बेहद ही शांत है। यदि आप धार्मिक और पौराणिक स्थानों पर घूमने का शौक रखते हैं तो यहाँ आ सकते हैं। पेशेवर अपराधियों के खिलाफ एक्शन में आई बिहार पुलिस, 724 अपराधियों को किया गया चिन्हित। बिहार पुलिस पेशेवर अपराधियों के खिलाफ एक्शन मोड में आ गई है। मिशन सुरक्षा के तहत चिन्हित कर टॉप 10, टॉप 20 इनामी कुख्यात अपराधियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। पूरे राज्य में 724 अपराधियों को चिन्हित किया गया है, जिसमें से करीब 50% से ज्यादा कुख्यात अपराधियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। अन्य की गिरफ्तारी के लिए एसटीएफ और जिला पुलिस की संयुक्त टीम विशेष अभियान चला रही है। एडीजी जितेंद्र गंगवार ने बताया है कि 21 जनवरी 2024 तक विशेष अभियान चलाकर 395 अपराधियों को पकड़ा गया है। अगर आप भी ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तो आपके लिए खुशखबरी। अगर आप भी ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तो आपके लिए एक बेहद ही खुशखबरी है। अब आप 1-2 लाख नहीं, पूरे 5 लाख रुपए तक आसानी से भेज सकते हैं। इसके लिए वही तरीका है IMPS, यानी कि इमीडिएट पेमेंट सर्विस, और इसके लिए अपने फोन बैंकिंग और नेटवर्किंग में बेनिफिशियरी ऐड करने की भी जरूरत नहीं है। जैसे पैसा भेजना है, केवल उनका नाम और मोबाइल नंबर होगा तो आपका काम हो जाएगा। 1 फरवरी से IMPS के भी नियमों में बदलाव होने जा रहे हैं, जिसके आधार पर कोई व्यक्ति बिना किसी बेनिफिशियरी का नाम जोड़े हुए भी 5 लाख रुपए तक फंड ट्रांसफर कर सकता है। बिहार के 4 जिलों में एलिवेटेड ट्रैक और स्टेशन निर्माण के लिए एरियल सर्वे का काम पूरा, जल्द चलेगी बुलेट। मुंबई अहमदाबाद के बीच जल्द ही देश की पहली बुलेट ट्रेन चलेगी, इसके बाद दिल्ली हावड़ा के बीच चलेगी। इतना ही नहीं, बिहार के पटना गया और बक्सर से होकर भी बुलेट ट्रेन गुजरेगी।
पटना के बिहटा में आईआईटी के पास स्टेशन का निर्माण होगा। बिहार के 4 जिलों में एलिवेटेड ट्रैक और स्टेशन निर्माण के लिए एरियल सर्वे का काम पूरा हो गया है। अब जमीन पर सर्वे हो रहा है, इसके बाद मिट्टी जांच और जमीन अधिग्रहण का काम होगा। सम्राट चौधरी ने कहा कि नीतीश कुमार के साथ मिलकर 10 लाख रोजगार देने का वादा करेंगे पूरा। नीतीश कुमार ने बीते दिन महागठबंधन को बड़ा झटका देते हुए मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया और भाजपा के साथ एक नई गठबंधन बना ली और एक बार फिर वो बिहार के मुख्यमंत्री बन गए। वहीं राज्य के नए उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा ने बीते दिन प्रेस को संबोधित किया। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि अब नई सरकार में देश में मोदी जी और बिहार में नीतीश जी के नेतृत्व में बिहार को बढ़ाने का काम करेंगे। जो अधूरे सपने छूट गए उसको पूरा करेंगे। 10 लाख रोजगार देने का वादा पूरा किया जा रहा है, रोजगार देने का काम किया जाएगा। इस पोर्टल की मदद से जाने कितने मोबाइल सिम आपके नाम से हैं दर्ज। कई बार आपने सुना होगा कि आपके नाम पर कई और मोबाइल सिम का इस्तेमाल कर रहा है। अब जो भी आप मोबाइल सिम लेने जाते हैं तो उसके आधार कार्ड का होना जरूरी है। ऐसे में यदि आपके आधार कार्ड से कोई दूसरा सिम का इस्तेमाल कर रहा है तो उसकी जानकारी आपको होना बेहद ही जरूरी है, नहीं तो हो सकता है कि वह अनजान व्यक्ति आपके नाम लिए गए सिम का गलत इस्तेमाल भी कर रहा हो। यदि आप यह जानना चाहते हैं कि आपके नाम कितने सिम का इस्तेमाल किया जा रहा है तो इसके लिए आप संचार साथी पोर्टल की मदद ले सकते हैं। इस पोर्टल को सरकार द्वारा संचालित किया जाता है। इस पोर्टल की मदद से आप जान सकेंगे कि आपके आधार कार्ड से अब तक कितने सिम लिए गए हैं। इसके लिए आप सबसे पहले tafcop.sancharsathi.com पर जाना होगा। यहाँ दिए गए स्टेटस को पूरा करने के बाद आपको पता चल जाएगा कि आपके नाम से कितने सिम अब तक लिए गए हैं। बिहारी पहचान में आज हम बात करेंगे शेखर सुमन के बारे में। ये एक बॉलीवुड फिल्म अभिनेता है। इनका जन्म 7 दिसंबर साल 1962 में बिहार के पटना में हुआ था। इन्होंने शशि कपूर द्वारा निर्मित फिल्म उत्सव से डेब्यू किया था। इसके अलावा ये नाचे मयूरी, संसार, अनुभव, त्रिदेव, पति परमेश्वर और रणभूमि के साथ साथ करीब 35 फिल्मों में काम कर चुके हैं। इन्हें कई टेलीविजन शो में भी देखा जा चुका है, जिनमें वह जनाब, देख भाई देख, रिपोर्टर, कभी इधर कभी उधर, छोटे बाबू आदि शामिल है। इन शोज के अलावा इन्होंने साल 2015 में आज तक पर अब की बार शेखर बिहारी की मेजबानी भी शुरू की थी। साथ ही द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज में नवजोत सिंह सिद्धू के साथ जज के रूप में भी नजर आए थे। फिल्मी और टीवी दुनिया के अलावा इन्होंने राजनीति में कदम रखा, जहां इन्होंने साल 2009 में कांग्रेस के टिकट पर पटना साहिब से लोकसभा चुनाव लड़ा। इस दौरान इन्हें हार का सामना करना पड़ा था। बिहार में दो गुमनाम इलाकों को अब मिलेगी पहचान। बिहार में दो गुमनाम इलाकों को अब पहचान मिलेगी। इन दोनों स्थानों का पर्यटन स्थल के रूप में विकास किया जाएगा। ये स्थान देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जन्मस्थल और एक बौद्ध धर्म स्थान है। इन दोनों पर्यटन स्थलों को राष्ट्रीय पर्यटक स्थल का दर्जा मिल रहा है, जो सिवान जिले में स्थित है। बता दें कि जीरादेई, जहां डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म हुआ था, और तितर स्तूप प्रक्षेत्र, जो बौद्धकालीन धरोहर को अभिव्यक्त करता है, ये दोनों ही अब राष्ट्रीय पर्यटन स्थल के रूप में महत्वपूर्ण होंगे। अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा अपने र्यूमर्ड बॉयफ्रेंड के साथ अंडमान में मना रही वेकेशन। जी हां, बॉलीवुड अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा अपनी फिल्मों के साथ साथ अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चा में रहती है। वहीं इन दिनों सोनाक्षी अपने र्यूमर्ड बॉयफ्रेंड के साथ अंडमान में वेकेशन मना रही है। एक्ट्रेस ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर कुछ तस्वीरें शेयर की, जिसमें वह स्कूबा डाइविंग करते हुए नजर आ रही है। अंडमान में स्कूबा डाइविंग के दौरान सोनाक्षी और जाहिर मस्ती करते हुए नजर आ रहे हैं। राम जानकी राष्ट्रपति के लिए हुआ भूमि अधिग्रहण, सिवान के लोगों ने जमकर किया विरोध। अयोध्या से जनकपुर तक बनने वाली राम जानकी राष्ट्रपति का निर्माण कार्य जल्द शुरू होने वाला है। इसके लिए भूमि अधिग्रहण भी शुरू हो चुका है। जिनका जमीन राम जानकी पद के लिए मापी में पड़ा है, उन्हें नोटिस मिलना शुरू हो गया है। वहीं राम जानकी मार्ग का करीब 237 किलोमीटर हिस्सा बिहार से होकर गुजरना है और इसकी शुरुआत सिवान जिला से होनी है। लेकिन बीते दिन मैरवा की मुड़ियारी पंचायत के आधा दर्जन गांव के लोगों ने जमकर हंगामा किया। सभी का आरोप है कि सरकार ने भूमि का उचित मुआवजा नहीं दिया जा रहा है।
पश्चिमी विक्षोभ के कारण ठंडी हवा चलने की संभावना। प्रदेश के कई जिलों में गुनगुनी धूप से जहां एक तरफ लोगों को थोड़ी राहत मिली है, तो वहीं दूसरी तरफ तेज हवा से कपकपी का सितम जारी है। हालांकि आने वाले 2 से 3 दिनों में पश्चिमी विक्षोभ के कारण पश्चिमी हिमाचल में बर्फबारी और बरसात की संभावना जताई जा रही है, जिससे ठंडी हवा का कहर जारी रहेगा। मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश का मौसम शुष्क रहने वाला है। साथ ही प्रदेश के कई जिलों में घना कुहासा छाए रहने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश के अधिकतर जिलों का अधिकतम तापमान 16 से 18 डिग्री व 18 से 20 डिग्री और न्यूनतम तापमान 8 से 10 डिग्री तक रहने की संभावना जताई गई है। रेलवे की वैकेंसी बढ़ाने को लेकर अभ्यर्थियों ने पटना में किया बवाल। बिहार की राजधानी पटना में रेलवे की वैकेंसी बढ़ाने को लेकर बीते दिन बवाल मच गया। अभ्यर्थियों ने जमकर हंगामा किया था। इस दौरान अभ्यर्थियों ने रेलवे ट्रैक जाम कर दिया। इस दौरान छात्रों ने पुलिस पर पथराव भी किया। इस वजह से 4 घंटे तक ट्रेन सेवा बाधित रही। इस दौरान पुलिस द्वारा उग्र छात्रों पर लाठीचार्ज भी किया गया। ईडी की लालू से हुई पूछताछ पर मिशा भारती और मनोज झा भड़के, कहा ये बीजेपी का समन है। राजद प्रमुख लालू यादव से नौकरी के बदले जमीन मामले में ईडी ने बीते दिन पूछताछ की। अब इसको लेकर लालू यादव की बेटी और राज्यसभा सांसद मिशा भारती आग बबूला हो गए। उन्होंने इसको लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि जो इनके साथ नहीं आ रहे हैं उन लोगों को ये ग्रीटिंग कार्ड भेज रहे हैं। जो कोई एजेंसी हमारे परिवार को बुलाती है तब हम जाकर उनका सहयोग करते हैं, उनके प्रश्नों का जवाब देते हैं। वहीं आरजेडी सांसद मनोज झा ने भी इसको लेकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि ईडी का समन नहीं है साहब, ये बीजेपी का समन है। बीजेपी का काम नहीं बन पा रहा है। राम के नाम पर नीतीश कुमार पर इंजीनियरिंग की गई है। पशुपति कुमार पारस ने नीतीश कुमार से की मुलाकात, चिराग पर भी साधा निशाना। नीतीश कुमार के 9वीं बार मुख्यमंत्री बनने के बाद केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस बीते दिन उनसे मिलने पहुंचे। सांसद प्रिंस राज, सांसद चंदन सिंह, विधान परिषद भूषण राय के साथ पशुपति कुमार पारस बीते दिन नीतीश कुमार से मिलने मुख्यमंत्री आवास पहुंचे और सीएम नीतीश कुमार को बधाई दी। सीएम से मिलने के बाद पशुपति कुमार पारस ने भतीजे चिराग पासवान पर हमला बोला। पारस ने तंज करते हुए कहा कि मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। पशुपति कुमार पारस ने आगे कहा कि हाजीपुर हमारा है और रहेगा, हम हाजीपुर के सांसद हैं। 4 फरवरी को बेतिया में मोदी लोगों को करेंगे संबोधित, नीतीश कुमार भी रहेंगे साथ। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर बीजेपी ने अपनी कमर कस ली है। चुनाव को लेकर बीजेपी लगातार बिहार का दौरा कर रही है। इसी क्रम में 4 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार आने वाले हैं। प्रधानमंत्री मोदी बेतिया में जनसभा को संबोधित करेंगे। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी मंच साझा करेंगे। गुजरातियों को ठग बताने के मामले में तेजस्वी यादव को मिली राहत। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को गुजरातियों को ठग बताने के मामले में राहत मिल सकती है। तेजस्वी यादव के खिलाफ गुजरात में दायर मानहानि का केस खत्म हो सकता है। 29 जनवरी को इस मामले की सुनवाई के दौरान इस बात के संकेत सुप्रीम कोर्ट ने देते हुए उनसे एक हल्फनामा दाखिल करने को कहा है। उस हल्फनामा में तेजस्वी को ये लिखना होगा कि गुजरातियों को ठग बताने वाले बयान पर उन्हें खेद है और वे अपने बयान को वापस लेते हैं। अब इस मामले की सुनवाई अगले हफ्ते होगी। राहुल गांधी ने की देश में जातीय जनगणना कराने की मांग, नीतीश पर साधी चुप्पी। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के तहत बीते दिन कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी बिहार के किशनगंज पहुंचे। यहां उन्होंने ओबीसी और जातीय जनगणना को लेकर बयान दिया और बड़ी मांग की। उन्होंने कहा कि इस देश को पता लग जाना चाहिए कि इस देश में ओबीसी, दलित, आदिवासी, दलित कितने हैं और उस काम को करने के लिए जातीय जनगणना कराने की जरूरत है। वैसे इस दौरान राहुल गांधी ने अपने संबोधन में एक शब्द भी बिहार में हुई सत्ता परिवर्तन या नीतीश कुमार पर कुछ नहीं बोला।
आईपीएल से धोनी के संन्यास लेने को लेकर दीपक चहल ने कही ये बात। घुटने में चोट की वजह से अब पूरी तरह से ठीक हो चुके एमएस धोनी अब 2024 आईपीएल के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुके हैं। अब इसी बीच न्यूज एजेंसी पीटीआई से बातचीत करते हुए भारतीय टीम के गेंदबाज दीपक चहल ने धोनी को लेकर कुछ बातचीत की है। दरअसल धोनी के आईपीएल से संन्यास लेने को लेकर कई बार चर्चा देखने को मिली। इसे लेकर उन्होंने कहा कि एमएस धोनी ने आईपीएल 2023 का पूरा सीजन घुटने पर पट्टी बांधकर खेला और टीम को पांचवी बार चैंपियन बनाया। मुझे लगता है कि धोनी के पास क्रिकेट को देने के लिए अभी काफी कुछ है, वे 2 या 3 साल और खेल सकते हैं। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। आज ही के दिन साल 1913 में प्रसिद्ध भारतीय चित्रकार अमृता शेरगिल का जन्म हुआ था। आज ही के वर्ष 1948 में नथुराम गोडसे ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को गोली मार दी थी। आज ही के दिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व कुष्ठ दिवस मनाते हैं। आज ही के दिन राष्ट्रीय स्तर पर नशा मुक्ति संकल्प और शपथ दिवस, महात्मा गांधी स्मृति दिवस और शहीद दिवस मनाते हैं। आज ही के वर्ष 1889 में भारतीय कवि जयशंकर प्रसाद का जन्म हुआ था। आज ही के दिन 1910 में भारतीय राजनीतिज्ञ चिदंबरम सुब्रमण्यम का जन्म हुआ था। आज ही के दिन साल 1971 में इंडियन एयरलाइंस के पोकर फ्रेंडशिप विमान का अपहरण हुआ था। आज ही के दिन साल 2007 में टाटा ने एंग्लो डच स्टील निर्माता कंपनी कोरस ग्रुप को $12 अरब से अधिक में खरीदा था। आज के वायरल खबर में हम बात करेंगे स्त्री स्वाभिमान योजना के बारे में। इंटरनेट के इस जमाने में सोशल मीडिया पर कई ऐसी खबरें हैं जो वायरल होती रहती है, लेकिन सभी सच हो ये जरूरी नहीं है। अब इसी कड़ी में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूट्यूब की एक वीडियो वायरल हो रही है। इस वीडियो में दावा किया जा रहा है कि केंद्र सरकार द्वारा महिलाओं के हित में एक योजना चलाई जा रही है जिसका नाम है स्त्री स्वाभिमान योजना। इस योजना के तहत महिलाओं को 1,24,000 रूपए देने की बात कही जा रही है, लेकिन जब हमने इस खबर की पड़ताल पीआईबी फैक्ट चेक पर की तो हमने पाया कि यूट्यूब के इस वीडियो में जो दावा किया जा रहा है वह पूरी तरह से फर्जी है। केंद्र सरकार द्वारा ऐसी कोई भी योजना नहीं चलाई जा रही है। भारतीय नौसेना ने समुद्री लुटेरों की ओर से अपहरण किए गए मछुआरों को बचाया। भारतीय नौसेना के आईएनएस सुमित्रा ने ईरान के झंडे वाले जहाज में समुद्री लुटेरों की ओर से अपहरण किए गए मछुआरों और अन्य लोगों को बचा लिया है। आईएनएस सुमित्रा ने इस रेस्क्यू ऑपरेशन को बीते दिन अंजाम दिया। नौसेना के प्रवक्ता कमांडर विवेक मधवाल ने कहा कि सोमलिया के पूर्वी तटों और अदन की खाड़ी में ऐसे अभियानों के लिए तैनात आईएनएस सुमित्रा ने ईरान के झंडे लगे मछली पकड़ने वाले जहाज ईमान के अपहरण के संबंध में सूचना पर कार्रवाई की है। जहाज पर समुद्री लुटेरे चढ़ गए थे और चालक दल को बंधक बना लिया गया था। नागरिकता संशोधन अधिनियम जल्द होगा पूरे देश में लागू, शांतनु ठाकुर ने किया बड़ा दावा। नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी कि सीएए को लेकर बीते दिन केंद्रीय मंत्री शांतनु ठाकुर ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि कुछ दिनों के अंदर सीएए पूरे देश में लागू कर दिया जाएगा। शांतनु ठाकुर ने यह बयान पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना में आयोजित एक जनसभा को संबोधित करते हुए दिया। शांतनु ठाकुर ने कहा कि पश्चिम बंगाल ही नहीं देश भर में अगले 7 दिनों के अंदर सीएए लागू हो जाएगा। अब इसको लेकर बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि भाजपा अब सीएए का शोर मचा रही है, ये उनकी राजनीति है। हमने सभी को नागरिकता दी है और जो लोग बॉर्डर इलाकों में रह रहे हैं उन्हें सब कुछ दिया जा रहा है। वे राज्य के नागरिक हैं इसलिए उन्हें वोट डालने का अधिकार मिला हुआ है। तेजी के साथ बंद हुए शेयर बाजार में टॉप गेनर में ये रहे शामिल। शेयर बाजार कारोबारी हफ्ते के पहले दिन ही हरे निशान पर बंद होता दिखा। वहीं 1240 अंकों की उछाल के साथ बीएसआई पर सेंसेक्स 71,941 पर बंद हुआ। इसके अलावा 1.81% की बढ़ोतरी के साथ एनएसई पर निफ्टी 21,740 पर बंद हुआ। बता दें कि बीते दिन शेयर बाजार 3 दिनों की बंदी के बाद खुला था। बता दें कि बीते दिन कारोबार के दौरान ONGC, RIL, अदानी इंटरप्राइजेस, BPCL टॉप गेनर के लिस्ट में शामिल थे।
हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल और उसके जवाब बताएंगे जो कि बीपीएससी, बिहार पुलिस, दरोगा समेत एसएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षा में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवाल में आपने कितना सही उत्तर दिया है ये हमें कमेंट कर जरूर बताएं। हमारा पहला सवाल है, हाल ही में किस तिथि पर डेटा प्रोटेक्शन डे मनाया गया? 26 जनवरी, 27 जनवरी, 28 जनवरी, 29 जनवरी। हमारा उत्तर है 28 जनवरी। हमारा दूसरा सवाल है, भारत और सऊदी अरब की सेनाओं के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास सदा तनसिक कहां में शुरू होगी? गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, जम्मू कश्मीर। हमारा सही उत्तर है राजस्थान। राष्ट्रीय नाट्य विश्वविद्यालय यानी कि एनएसडी का 21 दिवसीय भारत रंग महोत्सव का आरंभ कहां से किया जाएगा? मुंबई, दिल्ली, बंगलोर, लखनऊ। हमारा सही उत्तर है मुंबई। अब अगला सवाल है, बिहार का कौन सा जिला नायलोन उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? मुंगेर, मधुबनी, गोपालगंज, भोजपुर। हमारा सही उत्तर है मुंगेर। 5वां सवाल है कि बिहार में रासायनिक खाद का कारखाना कहां स्थित है? सिंदरी, बरौनी, पटना, रोहतास। हमारा सही उत्तर है बरौनी। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब दिया है उनके नाम है सुमित यादव, रंजीत मिश्रा, राजीव कुमार, रवि कुमार, राम लक्ष्मी मेहता, मदन कुमार, चंदन कुमार, मोहम्मद साकिर हुसैन, नुन्नू गोलू कुमार, दिलीप कुमार सिंह, अतीक खान, वर्षा झा, सुजीत, सुकुमार सिंह, बादल, रणधीर कुमार, बाबूलाल मरांडी, शादुल्ला पल्लवी। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके अनुसार परीक्षा के दौरान छात्रों में होने वाले स्ट्रेस को कम करने के लिए अभिभावकों को क्या कदम उठाना चाहिए? आप अपना जवाब हमें कॉमेंट में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए बिहारी न्यूज, और साथ ही अगर आप YouTube से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आप Facebook से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।